Hey guys, good morning. Welcome back to my new vlog. तो मैं अभी किचन में ब्रेकफास्ट के लिए, तो ये है आलू और अंडी की सब्ज़ी, तो ये मैं बना रही हूँ। और बस आलू की सब्ज़ी मेरी बन गई है और एक साइड मैंने कर दिया आटा भी रेडी, और उसके बाद नहाने जाऊँगी और फिर आपसे मिलती हूँ अभी। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। तो मैं आज भी मंदिर से, और वही एज यूजुअल मेरी चाय, अब चाय पीती हूँ। तो बस चाय पीने के बाद मैं आ गई ब्रेकफास्ट रेडी करने, क्योंकि भैया का ऑफिस का टाइम हो रहा था। फटाफट से मैंने आटा दोबारा से मैश करा और फटाफट से मैंने रोटियां बना के और सब्जी में रेडी हो गई थी, परांठे वगैरह सेक लिए थे फटाफट से, और फिर साथ ही साथ भैया का टिफिन भी लगाना था। तो पापा आगे किचन में मेरी हेल्प करने, एक साइड वो रख देते हैं चाय वगैरह, क्योंकि ऑफिस का टाइम हो जाता है तो पौने हो गया था। तो फटाफट से मैंने भैया को ब्रेकफास्ट दिया और उसके बाद फिर दीपू को दिया और बाकी सब ने खाया। उसके बाद हम लोगों ने खाया और बस यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट भी हो गया कंप्लीट। और साथ ही साथ मैं आ गई रूम में, अपना रूम सेट किया, बेड वगैरह सेट किया, ब्लैंकेट्स वगैरह अपने फोल्ड कर दिया, फोल्ड करके अपनी जगह में रख दिया, और साथ ही साथ मैंने बेडशीट चेंज करके बेडशीट भी अच्छे से लगा दी। तो बस सुबह का टाइम तो इतना हैक्टिक हो जाता है ना, सबका ऑफिस वालों का टाइम है, आजकल तो प्रिंसिपल की छुट्टी है तो फ्री है। तो मेरा काम हो गया सुबह का, मॉर्निंग का, अब बजे दिन के 12। तो प्रिंसिपल रुद्राज ने पढ़ाई करके अब थोड़ी देर अपनी बुआ की शादी की वीडियो देख रहे हैं, इंजॉय करें कि मम्मा चलो हम देखते हैं, देखो। तो यहाँ पर और यहाँ बन रही कच्ची बोली किनू की, यह है किनू। तो इसकी कच्ची बोली बनाते हैं, आप लोग भी बनाते होंगे सब्जियों में, मतलब पिसा हुआ नमक जो मैंने आपको दिखाया अपनी प्रीवियस वीडियो में, मैंने नमक पिसा हुआ है वो नमक डाल के इसमें उसकी कच्ची बोली खाएंगे तो बहुत टेस्ट आता है। चलो फिर मैं रख रही हूँ अब अरहर मलका की दाल, तो मैं इसी में नमक वगैरह और टमाटर साबुती डाल देती हूँ, नमक हल्दी, और उसके बाद फिर उसमें तड़का लगाती हूँ तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चलो फिर रखती हूँ मैं इसको और बनाएंगे इसके साथ राइस। तो सॉरी गाइस, खांसी हो गई। हाँ, आ गए हम मटर छिलने बाहर धूप में, पापा और मैं, तो यहाँ छिल रहे हैं फटाफट मटर। मटर हम पहले से छिल के एक कंटेनर में रख देते हैं, क्योंकि ये कि ईजी रहता है, फिर हम आराम से कुछ भी बना सकते हैं। जैसे आलू मटर बना दो, कभी मटर पुलाव बना दो, कभी मटर के परांठे बना दो, तो मटर टाइम नहीं छिला जाता। तो फटाफट से पापा और मैं छिल रहे हैं धूप में मटर। पापा तो बैक साइड है तो नहीं दिखेंगे, क्योंकि फ़ोन मेरा सामने ही है, तो इसलिए मैं भी पूरी कहाँ दिख रही हूँ, मैं भी अप डाउन कर रही हूँ फ़ोन की डायरेक्शन कि मैं दिख नहीं रही हूँ, तो मैं ऊपर नीचे कर रही थी कैमरा। तो बस फटाफट से मटर छिले और साथ ही साथ अब आगे मैं किचन में बन गई शाम के 4। तो चाय पीने का टाइम भी हो गया, तो मेरी एक साइड चल रही है, चल रखी है चाय बनने वाली ऑलमोस्ट, और एक साइड ये खीर माता का भोग। तो आज शुक्रवार है, तो शुक्रवार को माता का भोग मैं खीर से लगाती हूँ, कल तो वैसे ये ब्लॉग मिले थे अगले दिन, तो ये आज है फ्राइडे। तो बस भोग बन रहा है एक साइड और एक साइड बन रही है मेरी चाय। दोबारा किचन में शाम के डिनर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खीर मेरी ऑलमोस्ट बनने वाली है, आप लोग देख सकते हो। अब मैं ये बनाऊँगी आज शाम को मटर मशरूम, ये मटर मशरूम मैं बनाऊँगी, और ये मैं प्याज अब इसके लिए चॉप करके रखती हूँ।
गाइस, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। तो आपने देखा मेरा मटर मशरूम भी डिनर के लिए रेडी होने वाला है, 5 मिनट्स के बाद ये भी बनने वाला है और मैंने आटा अपना करके रख लिया। तो यही व्लॉग का एंड करती हूँ मैं। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल जियाना चाल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय।